नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलेंसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है। महाराणा प्रताप चौक के सुंदरीकरण के लिए जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। बांदा कलेक्टर परिषद में अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं के वापस अधिकारियों ने जिलाधिकारी ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप चौक बिना सुंदरीकरण के पड़ा हुआ, हम चाहते हैं कि महाराणा प्रताप चौक के सुंदरीकरण कराए जाए। हम आने और जाने वाले रास्ते पर लैंडमार्क लगाए जाए, महाराणा प्रताप और लिखवाया जाए, महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ऊपर छत चलवाए जाए। इन्हीं मांगों से लेकर अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वाइट रामजोर सिंह चंदे, बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन वो उपेक्षित, हम लोगों ने एक निवेदन किया है कि उस चौराहे का सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण करते हुए इसके बाद जो है तो महाराणा प्रताप के जो है तो प्रतिमा को बचाने के लिए, मौसम की मार से बचाने के लिए उसमें छत्र लगाए। तमाम लोग जो है तो देहात गांव के लोग जो है तो उसको घोड़ा चौराहा कहते हैं, तो उसको नामकरण महाराणा प्रताप चौराहे कराने के लिए जैसे सिविल लाइन पुलिस चौकी है उसमें महाराणा प्रताप चौक जोड़ा जाए, और जगह जो है तो संकेतक जैसे कालू कुआं है, पुलिस लाइन है, इधर कचहरी तरफ से जाने वाले जितने भी है मार्ग इधर संकेतक लगते हैं तो उनमें महाराणा प्रताप चौराहा संकेतक लगाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए, तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसा जो है तो हमारी मांग के अनुसार इसमें निश्चित रूप से पूर्ण विकास। क्या नाम है? रमजोर सिंह चंदे, अखिल भारत। अन्य जानवरों से परेशान होकर किसानों को जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन। बांदा जनपद के भुरोटी भोरागढ़ के लगभग 2 दर्जन किसान अन्य जानवरों से परेशान होकर गौशाला बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला बरेडी भोरागढ़ का है, जहां पर किसान अन्य जानवरों से परेशान है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लगभग 2 दर्जन से किसान अन्य जानवर से परेशान होकर प्रदर्शन किया। वहीं पर बता दें कि लगभग हजारों की बीघा की फसल अन्य जानवर चपेट कर रहे हैं। लेखपाल से कई बार हम कह चुके हैं कि कोई ग्राम सभा की जमीन को नाप कर निकाल दे, जिससे गौशाला बनाया जा सके, जिससे किसानों की फसल बच सके, लेकिन लेखपाल हमारी नहीं सुन रहा है, इसलिए आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। धर्मराज त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरागढ़। बताइए क्या समस्या है? अन्ना प्रथा की व्यवस्था करने के लिए है, कुछ नहीं बच रहा, 2000 गोरु घूम रहा है। क्या कहते हैं आप? हम गौशाला बनवाना चाहते हैं। क्या अधिकारी साहब ने कहा है गौशाला के लिए अभी तक? हाँ। तो क्या हुआ है? नहीं, दरख्वास्त आज दी गई है। कितने लोग परेशान है गांव से? गांव परेशान है, 5 साल से पूरा खेत पलती भरा है। तुम साहब होकर देख रहे हो, क्या चाहते हैं आप लोग? गौशाला बनवाना चाहते हैं, जानवर की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत जारी में रास्ते पर भारी जल भराव, दलदल एवं पुलिया टूट जाने से परेशान किसान। खेत में पड़ी धान की फसल, आपको बता दे पूरा मामला बडोखर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जारी का है। नाला पारपोरवा में लिंक रोड से बस्ती के अंदर से होते हुए बिलबई संपर्क मार्ग को जाने वाले रास्ते में पुलिया के टूट जाने एवं भारी मात्रा में जल भराव होने से लगभग 4 या 5 फुट गहरा कीचड़ दलदल हो जाने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों कामता प्रसाद ने बताया कि इस मार्ग से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली, मोटरसाइकिल आदि कोई भी वाहन नहीं निकल पाता, जिससे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने, महिलाओं और बुजुर्गों को आने जाने तथा सभी किसानों की धान की फसल खेत में ही पड़ी है, न ही अपने घर ले जा पा रहे हैं और न ही बाजार। किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है और फसल तैयार करता है, लेकिन खराब रास्ते के कारण यदि तैयार फसल खेत में पड़ी है चोरी हो जाए, पानी बरसने से खराब हो जाए, अना जानवर बर्बाद कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यह रास्ता विधायक निधि द्वारा अभी हाल में ही बना है, लेकिन जानबूझकर संपर्क मार्ग से लगभग 100 मीटर छोड़कर, जिससे उस स्थान पर जल भराव व कीचड़ है, जिससे आवागमन बाधित है। खड्डंजे के ऊपर ही नया रास्ता सीसी रोड बनाया गया है। आगे जाकर जहां भारी जल भराव कीचड़ था उसे छोड़ दिया गया है। यहां तक कि अगर मिट्टी भी डला दी गई होती तो आवागमन संभव हो जाता, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर अभी हाल में कीचड़ भरे रास्ते में मिट्टी ही पड़ जाए तो किसान अपनी फसल खेत से घर ला सके, आखिर कब तक किसानों को दुख सहना पड़ेगा? बाइट कामता प्रसाद, ग्रामीण किसान, अनुराग तिवारी की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? कामसा प्रसाद जी। कौन सा गांव है ये? ग्राम जारी जिला बांदा। आप लोग किसान भाई हैं? जी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है कि हमारी हाल में फसल पड़ी हुई है, चाहे कोई चोरी ले जाए, चाहे कोई आग लगा दे, चाहे कोई भर ले जाए, इसलिए हमको बहुत परेशानी है। रास्ता हमारे यहाँ बनी हुई है तो रोड से कुछ दूर के बाद RCC पड़ी हुई है, इसके बाद कुछ दूर आई है, इसके बाद फिर उसी तरह पड़ी हुई है। न पंचायत मित्र सुन रहा है, न ग्राम प्रधान सुन रहा है और ना ही विधायक सुन रहा है, इसलिए इस रोड को बनवाई जाए। ना हमारा वाहन कोई निकल पा रहा है, ना आदमी निकल पा रहे हैं। जो आदमी आता है तो गड्ढे में घुस जाता है, वो भी नहीं निकल पाता है, और जो वाहन आता है तो वो खासा 4 दिन खड़ा रहता है, बाद में एजेंसी ले जाना पड़ता है, ख़राब हो जाते हैं, इतना गड्ढा है यहाँ पर। तो इसलिए इस रास्ते को बनवाया जाए, बस यही हमारी समस्याएं हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।